दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। अब क्या बताया है कि जिस बगड़ में, बगड़ मीन मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में इस दुर्गा का जागरण होता हो, कहते हैं उसकी संगत में वह सारी कॉलोनी डूबेगी, सारी का नाश होगा। कैसे? अपने आत्माओं, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है, और इसको जरा सा भी कोई कहीं से संदेश भगवान की चर्चा होती है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो, गलती से वो गलतियां कर रहा बेचारा, तो उसकी भी आत्मा फड़क जाती है, वो भी ज्ञान सुनने को बैठ जाता है। और जैसा वो सामने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान की चर्चा तो आत्मा को चाहिए, इसकी खुराक है, आहार है, उस बिना यह रह नहीं सकती। अब इस ये नकली एजेंट भेज रखे काल के, उन्होंने ज्ञान गलत बता दिया, उन्होंने गलत ज्ञान मान लिया। तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म अर्ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे, और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए, और खूब उड़ा उड़ा फंड करेंगे, और सारी रात गावेंगे, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे, हमारा एक भक्त है, वो अब यहाँ भी आता है सेवा में, आया हुआ शायद आदमी। हम उसके घर से आ रहे थे शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहाँ चला गया, हम दो जने थे। तो वहाँ से फिर मैं चल पड़ा, मैंने कहा ये क्या और आसोर यहाँ पर साथ में, कहने लगा यहाँ दुर्गा उसका जागरण हो रहा है माता का। और हम चल पड़े, उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसके वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहाँ कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे, और वहाँ मैं नहीं सुनिया नो करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गावे गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो उस हमने उसमें के देखा, एक सीलिंग के बीच के थोड़ी सी जगह थी, यूँ इधर किस लिए आ गया, उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली, एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली वह ठंडी लिमका लिमका, और मार के घुटी, अनुगा मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहाँ सुना था तो मैं अभी तेरे को तो सुनना ही नहीं, क्यों तू तो टिट्टी हो गया टन होगी खोपड़ी तेरी, हम माए मारे जाओ रुके अगले पिछले, मैं नहीं सुनिया जय माता जी, मैं नहीं सुनिया अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज ने, उनकी तड़क भड़क ने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहाँ के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, यानी उस देखम देखा उस कुएं में उस भेड़ की तरह वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए कहा कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। सारा तो ऐसे देखा देखी हम अच्छे मार्ग पर लगते हैं, देखा देखी हम गलत मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और जो उनके लिए जो कहानी कहते हैं, वो दोनों की दोनों गधी की योनि में जाओगी अगले जन्म में, जब संत नहीं मिले थे।